अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो वीर जवानों, अपने खून पर इल्जाम ना आए। माँ ने कहा कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। किसी शायर ने खूब ही लिखा है कि देश पर मिटने वाले वीर जवान अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। यही जज्बा झज्जर जिले के गांव बधानी के लाडले विक्रांत ने भी कर दिखाया है और देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी। आज शहादत को सलाम करने के लिए राजनेता, युवा, बुजुर्ग सभी सामान्य अस्पताल में पहुंचे और शहीद के दर्शनों के लिए हजारों का काफिला उमड़ पड़ा। भारत माता की जयकारे लगाने के साथ शहीद विक्रांत की अंतिम यात्रा में पहुंचे। आज झज्जर के सामान्य अस्पताल से शहीद विक्रांत की अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। वहीं राजनेता भी आज पार्टियों से ऊपर उठकर एक मिसाल पेश करते हुए शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। झज्जर की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि झज्जर जिला एक ऐसा जिला है जिसने अनेक वीर सपूत भारत माँ की सेवा में किए हैं और उन वीर सपूतों ने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हमारे सार्जन विक्रांत सरावत जी ने जो है देश के लिए शहादत दी है। सारा देश और एक क्षेत्र जो है उनको नमन भी करता है और देश के ऐसे सपूत जो है हम उनको जहां सलाम करते हैं, ये उम्मीद भी करते हैं कि देश हमारे जहां जवान हमारे देशों को बचा देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उस सरकारें भी अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाए। और आज हर बच्चे की जुबान पर यह है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। लाखों की संख्या में हमारा खासतौर से युवा इकट्ठा हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए भी हम अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से सही समय पर निभाएंगे। वहीं बादली हल्के से कांग्रेस नेता कुलदीप वत्स ने भी कहा कि मैं उन वीर सपूतों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। और इस पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में लाखों वीर हैं, अगर हिंदुस्तान के लिए झांकने की भी कोशिश की तो पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे। और मैं ऐसे शहीद को, ऐसे अपने भाई को सलूट करता हूँ जिन्होंने हमारे इलाके का अपनी शहादत देकर नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और मैं कहता हूँ कि हर घर में, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी जाए और देश की रक्षा करे और सेना में बढ़ते हुए देश की रक्षा करे। मैं शहीद को सलाम करता हूँ और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर युवा में, हर बुजुर्ग में एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान से बदला लो। पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा और बदला लिया जा भी रहा है। इसको राजनीति को बुला देकर सबसे कहता हूँ इसके परिवार के लिए भी गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए। जो भी शहीद इस देश के लिए होते हैं, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि शहीद के परिवार को मान सम्मान भी दे और उनको अच्छे से अच्छे बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचे, जो हर नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए लगन लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झज्जर से गौरव के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।